नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोटर टॉय शो। तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं टियागो एनआरजी के डिटेल रिव्यू के बारे में। आप सबसे शेयर करेंगे इस गाड़ी के पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और आपको बताएंगे कि क्या ही आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। तो ये सब हम आप सबसे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस गाड़ी में हमें मिल जाता है रेवोड्रम 1.2 लीटर का इंजन, जिसमें हमें मिलती है 84 bhp की पावर। 1.2 लीटर इंजन है ये, जिसमें हमें मिलती है 113 nm ऑफ टॉर्क और 3 सिलेंडर इंजन हमें मिल जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले इस गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में। तो एक्सटीरियर में सबसे पहले हम बात करें, हमें जो हेडलाइट्स देखने को मिल जाती है, एडजस्टेबल जो है ये हेडलाइट्स हमें देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं इसकी फ्रंट ग्रिल, जहाँ पे टाटा का लोगो और नीचे की तरफ हमें क्रोम देखने को मिल जाती है। और फ्रंट जो है काफ़ी अग्रेसिव लग रहा है इस गाड़ी का देखने में। वहीं अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे की तरफ हमें जो है यहाँ पे फोग लैम्प्स भी देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ बम्पर की बात करें तो तीन कलर में हमें इसका बम्पर जो है देखने को मिल जाता है। एक गाड़ी का कलर, दूसरा जो मैट ब्लैक फिनिश हमें देखने को मिल जाती है, और तीसरा जो है सिल्वर कलर। तो यहाँ जो बम्पर हमें इस गाड़ी का देखने को मिल जाता है वो काफ़ी टफ लुक के साथ एक एसयूवीश फील वाला जो बम्पर होता है, जो एसयूवीश गाड़ियों में हमें देखने को मिलता है, वही सेम बम्पर हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। तो कुल मिला के इस गाड़ी के एक्सटीरियर को काफ़ी सुधारने और काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है इस गाड़ी में। और ये इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस गाड़ी के जो डोर हैंडल्स हैं वो भी हमें मैट ब्लैक देखने को मिलते हैं। और कलर की बात करें तो काफ़ी अच्छा यूनिक कलर है ये, क्लाउडी ग्रे कलर जिसे कहा गया है। काफ़ी शाइन है इस कलर में, काफ़ी एक मेटलिक लुक देता है। और वहीं अगर हम बात करें इस गाड़ी के रियर व्यू मिरर की, तो हमें इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल रियर व्यू मिरर्स मिल जाते हैं इस गाड़ी में देखने को। और यहाँ हम बात करें टायर और व्हील्स की और टायर साइज़ की, तो 175/60 R15 टायर साइज़ हमें देखने को मिल जाता है। ट्यूबलेस टायर हमें देखने को मिलते हैं और डुअल टोन हमें इसमें अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ बात करें तो इस गाड़ी में हमें रूफ़ रेल्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो इस गाड़ी को एक और जो है काफ़ी एक स्पोर्टी कहले लुक इस गाड़ी को देते हैं, और जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है वो ज़्यादा बल्की लगती है देखने में। और ये ड्राइवर साइड प्रोफाइल, और यहाँ सी पिलर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्लास की बजाय एक मैट शीट देखने को मिलती है, जो आप बाहर से भी लगवा सकते हैं, तो उस टाइप की शीट यहाँ देखने को मिलती है। और यहाँ नीचे भी आपको ब्लैक प्लास्टिक मैट देखने को मिल जाता है। और उसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 181 mm, और व्हील बेस की बात करें तो 2400 mm का इस गाड़ी का व्हील बेस हमें देखने को मिल जाता है। कर्व वेट की बात करें तो 1006 इस गाड़ी का कर्व वेट है। और वहीं हाइट की बात करें तो 1537 mm इस गाड़ी की हाइट है। और ये आप देख सकते हैं इस गाड़ी की रियर प्रोफाइल, यहाँ पे आपको NRG की बैजिंग देखने को मिल जाती है। पीछे भी हमें जो है ब्लैक मैट देखने को मिल जाती है। और वहीं बम्पर की बात करें तो फिर से हमें डुअल टोन बम्पर यहाँ पे देखने को मिलता है, सिल्वर ब्लैक और गाड़ी का जो कलर है ग्रे उसके कम्बिनेशन में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैमरा और सेंसर्स हमें जो है पीछे देखने को मिल जाते हैं नीचे की तरफ। तो कुछ इस तरह से इस गाड़ी की पीछे की प्रोफाइल। और यहाँ हमें बड़ा ही अच्छा स्पॉइलर भी देखने को मिल जाता है, जो कि इस गाड़ी को एक स्पोर्टी लुक देता है। इसके अलावा हमें रियर विंडो वाइपर, रियर विंडो वाशर, डिफोगर, ये सब फीचर्स भी हमें जो है इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो पावर एंटीना हमें इस गाड़ी में देखने को मिलता है। और तो ये सब था इस गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में, जो आप देख रहे हैं ये सी पिलर पे जो ब्लैक शीट मैट आपको देखने को मिल गया। तो ये ओवरऑल इस गाड़ी का एक्सटीरियर लुक था। अब बात कर लेते हैं हम इंटीरियर्स की। तो कुछ इस तरह से इस गाड़ी में हमें ब्लैक इंटीरियर्स देखने को मिल जाते हैं। या अगर हम साइड डोर की बात करें तो यहाँ पे आपको सारे विंडो के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, कुछ इस तरह से दिखते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर। और अंदर की तरफ हम बात करें तो काफ़ी अच्छा हमें फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, जो कि इस गाड़ी के इंटीरियर को एक काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है। इसके अलावा और बात करें अगर हम इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो बड़ा ही अच्छा हमें इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है।
अगर आप यहाँ बैठ के देखेंगे तो जो इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। हमें टैकोमीटर देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर देखने को मिल जाता है, और बाकी बात करें तो फैब्रिक अफॉल्स्ट्री देखने को मिल जाती है इस गाड़ी में। इसके अलावा हमें यहाँ पे डिजिटल क्लॉक, ग्लव कंपार्टमेंट, डिजिटल ओडोमीटर, ये सब फीचर जो है हमें मिल जाते हैं इस गाड़ी में। और ड्राइवर सीट की बात करें तो हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी हमें इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से इस गाड़ी का डैशबोर्ड। तो यहाँ हमें चारकोल ब्लैक इंटीरियर्स, फैब्रिक सीट्स विद डेको स्टिच, पियानो ब्लैक फिनिश ऑन स्टीयरिंग व्हील, पियानो ब्लैक फिनिश अराउंड इंफोटेनमेंट, इंटीरियर लैंप्स विद थिएटर डिमिंग, बॉडी कलर, साइड एयर वेंट्स और रियर पार्सल शेल्फ, टैबलेट स्टोरेज स्पेस इन ग्लव बॉक्स, कोलेप्सिबल ग्रैब हैंडल, सेगमेंटेड 6.35 सेंटीमीटर डिस्प्ले, गियर शिफ्ट डिस्प्ले, ट्रिप मीटर, ट्रिप एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, ये सारे फीचर्स जो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों यहाँ हम बात करें स्टीयरिंग की, तो पावर स्टीयरिंग हमें जो एडजस्टेबल देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एसी हीटर, पावर विंडोज़, रियर एयर फ्रंट और लो फ्यूल वार्निंग लाइट, वैनिटी मिरर, रियर सीट हेडरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, कप होल्डर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, रियर की बात करें तो कीलेस एंट्री और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ग्लव बॉक्स, कूलिंग, वॉइस कंट्रोल, एडिशनल फीचर जैसे कि की इन रिमाइंडर, तो ये कुछ खास हमें जो है फीचर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ इंजन की बात करें तो कुछ इस तरह से इस गाड़ी का इंजन है। यहाँ पे हमें 1200 cc का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 84.4 bhp की हमें पावर जो है प्रोवाइड करता है। माइलेज की बात करें तो 21 kmpl के आसपास आपको कंबाइंड माइलेज जो है ये गाड़ी प्रोवाइड कर देगी। और वहीं अगर हम बात करें इस गाड़ी के रियर बूट की, और कुछ इस तरह से यहाँ पर इस गाड़ी का जो है बूट ओपन होता है, पीछे की तरफ आपको बटन देखने को मिल जाता है, और जैसे आप बूट ओपन करते हैं तो लाइट्स भी जो है वो ऑन होती है। और यह अगर हम बात करें बूट की, तो इस गाड़ी में जो हमें बूट स्पेस देखने को मिल जाता है वो है कुछ 242 liters का बूट स्पेस, और यह हमें जो स्पेयर टायर देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव्स की और नेगेटिव्स की, और क्या ये आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ पॉजिटिव्स की बात करें तो ये गाड़ी जो है काफ़ी अच्छा पैकेज है, काफ़ी अच्छे हमें फीचर्स, सेफ्टी, स्टाइल का ओवरऑल जो है कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा पैकेज है, जो कि हमें इस सेगमेंट में किसी और गाड़ी में नहीं मिलता है, और माइलेज भी काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल ये सब पॉजिटिव्स जो है हमें इस गाड़ी में लगते हैं। और एक चीज़ जो हमें इस गाड़ी में शायद थोड़ी और बेटर कर सकती थी टाटा, जो कि एक नेगेटिव कह लो, वो ये कि हमें थोड़ा प्राइस जो है इस गाड़ी का अगर थोड़ा और कम होता तो शायद काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि इस प्राइस रेंज में हमें अपर सेगमेंट की गाड़ियां मिलना जो है चालू हो जाती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हमें ये एक चीज़ जो है वो थोड़ी और बेटर हो सकती थी वो लगा। और तो जैसा कि हमने बताया कि काफ़ी अच्छा पैकेज है, तो इस गाड़ी को ख़रीदने में कोई भी बुराई नहीं है, तो एक काफ़ी अच्छी गाड़ी जो टाटा ने लॉन्च की है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल इस गाड़ी का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।